हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आप लोगों के लिए लविंग मैसेजेस लेकर आई हूँ। आपके लव्ड वन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके लवी डवी पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, और उनके मन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो आपसे कहते नहीं हैं लेकिन आप जानना चाहते हैं। उनके मन में क्या ख्याली पुलाव पकते हैं, कौन से मैसेजेस हैं जो वो आप जानना चाहते हैं, बेसिकली उनके दिल की बात। तो हम यहाँ पर पता लगाएंगे आज कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। ओके, तो उनको लगता है कि आप इस तरह से उनकी ओर देखते हैं जैसे कि वो इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है। ऐसा है क्या? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। ओके, तो कोई कहना चाहता है कि आप उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और हमेशा रहेंगे। चलिए, वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। ओके, तो आप दोनों, उनको ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दो लोग बहुत अच्छा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। तो यहाँ पर कोई कहना चाहता है कि वो सारा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, इवन वेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल अडोरेबल। ओके, तो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि जब आप गुस्से में होते हैं तब भी उनको आप बहुत ज़्यादा अडोरेबल से लगते हो। ओके, यू वुड डू एनीथिंग आई से। ओके, तो उनको लगता है कि वो जो भी बोलते हैं आप वो सब करते हो और वो सब आप हमेशा करोगे उनके लिए। यू आर सिंपली इररेसिस्टिबल। तो आपको वो बोलना चाहते हैं कि आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा इररेसिस्टिबल हो, बहुत ज़्यादा रिप्लेसेबल हो, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया जा सकता आपको, यूनिक हो आप। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। यू कैन लिसन टू मी एंड टॉक फॉर एवर। ओके, तो उनका ये कहना है कि आप हमेशा उसे उन्हें सुन सकती हो और हमेशा ही उनसे बात करते हुए रह सकते हो। उनको हमेशा बातें करना बहुत पसंद है आपसे। यू होल्ड द की ऑफ माई हार्ट। कोई कहना चाहता है कि आपने उनके दिल की चाबी छुपा के रखी हुई है। यू नेवर गिव अप ऑन मी वेन आई एम एट वर्स्ट। तो यहाँ पर कोई सीरियस मैसेज देना चाहता है कि जब वो अपने बहुत बुरे वर्स्ट टाइम में होते हैं तब भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा है, तब भी आपने उनको मनाया है, उनको याद है। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। ओके, तो आप थोड़ी भी देर के लिए उनको छोड़कर जाते हो तो वो आपको मिस करना शुरू कर देते हैं। कौन है ये? यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड वेन आई एम इल। ओके, तो जब वो बीमार होते हैं तब भी आपने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। यू नोज इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, किसी को आपकी नाक बहुत पसंद है भाई। We can spend hours doing nothing but talking. तो यहाँ पर कोई कह रहा है कि हम लोग जो हैं बहुत सारा समय अपना आपके साथ बिता सकते हैं, एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं, घंटों कुछ बात ना किए बगैर साथ रह सकते हैं, बस खामोशी के साथ, लव वाइब्स। यू वुड डू anything to make me happy. तो यहाँ पर कोई कह रहा है कि आप उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने ही मैसेजेस थे, लव मैसेजेस देखेंगे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको मेरे मैसेजेस। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मैं ज़रूर ऐसी रीडिंग बनाऊंगी आपके लिए। ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।